आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सऊदी अरब का नया वैकेंसी जो कि अल नहदी दवा फार्मेसी का है। अल नहदी दवा फार्मेसी में अगर आप में से जो भी दोस्त आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें फुल जानकारी आपको मिलेगा कैसे अप्लाई करना है और कौन सा ऑफिस से अप्लाई करना है। आप अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं संजर आलम, आप देख रहे हैं संजर जॉब गल्फ। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सऊदी अरब का नया वैकेंसी के बारे में जो कि नहदी दवा फार्मेसी का ये वैकेंसी निकला है। ठीक है, बहुत सारे लोग का बहुत दिन से ये इंतज़ार था वैकेंसी निकलने का नहदी दवा फार्मेसी का, जो कि अब निकल चुका है। और इसमें कितना आदमी की मांग है इसमें अप्लाई करने के लिए, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों को ये वैकेंसी का इंतज़ार था जो कि अभी निकल चुका है अल नहदी दवा फार्मेसी का। जो भी दोस्त इसमें आना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि इससे 6-7 महीना पहले जो निकला था उसमें इतना जो है कंडीशन नहीं रखा गया था कंपनी की तरफ से। इस वैकेंसी में थोड़ा बहुत कंडीशन रखा गया है जो कि जो भी कैंडिडेट होगा इसमें अप्लाई करने के लिए उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप में से जो भी दोस्त आना चाहते हैं अल नहदी दवा फार्मेसी में तो वीडियो को पूरा देखें, और आपको मैं ऑफिस का डिटेल भी दूंगा जहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मुंबई का ऑफिस से आया हुआ है, जो भी दोस्त इस जॉब में आना चाहते हैं तो उसे मुंबई आना पड़ेगा। ये 3 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल से मिलते रहे। जो भी दोस्त आना चाहते हैं गल्फ कंट्री में उसे पूरा वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप में से जो भी दोस्त इसमें आना चाहता है अल नहदी दवा फार्मेसी में, ये 3 पोस्ट का वैकेंसी निकला है। 3 ड्यूटी है आपको मैं बता दूं, एक में है 10 घंटे का ड्यूटी और दूसरे में है 12 घंटे का ड्यूटी। ठीक है, 3 कैटेगरीज में काम है, 3 में आपको 10 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा, बाकी 2 पोस्ट में 12 घंटे का ड्यूटी है। ठीक है, 12 घंटे का ड्यूटी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का बनेगा, जो भी दोस्त आना चाहते हैं उसका एग्रीमेंट जो है वो 2 साल के लिए एग्रीमेंट बनेगा। और एज का लिमिट जो इसमें है वो है 21 से 35 साल का आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 से 35 साल का आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ECR पासपोर्ट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ECNR पासपोर्ट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आना चाहते हैं सऊदी अरब तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या गल्फ कंट्री से कैसे रिटर्न है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस इंग्लिश जो है बोलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इंग्लिश बोलना आना चाहिए कम से कम 50%। ठीक है, 50% आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए और लिखना पढ़ना भी आना चाहिए, वही दोस्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 12 क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, 12 क्लास कम से कम जो है आपको इंटर का मार्कशीट लगाना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास इंटर का मार्कशीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें सैलरी मिलने वाला है वो सैलरी जो है वो है स्टोर अटेंडेंस का जो सैलरी मिलेगा। इसमें एक पोस्ट है जो है स्टोर अटेंडेंस, जिसमें सैलरी मिलेगा 1000 प्लस 200 रियाल। ठीक है, स्टोर अटेंडेंस का 1000 प्लस 200 रियाल, और स्टोर हेल्पर का भी आपको सैलरी मिलेगा 1000 प्लस 200 रियाल, यानी 1200 रियाल सैलरी आपको ये दोनों पोस्ट में मिलेगा, स्टोर अटेंडेंस में और स्टोर हेल्पर में। ठीक है, 1200 रियाल सैलरी मिलेगा। अगर इंटरव्यू का होगा जो आपका, वो ऑफिस में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऑफिस में इंटरव्यू होगा आपको। जो दूसरा पोस्ट है वो है पैकर्स का, पैकर्स में आपको सैलरी मिलेगा 1200 प्लस 200 रियाल। ठीक है, पैकर्स में आपको सैलरी मिलेगा 1200 प्लस 200 रियाल। इसमें 50 आदमी की मांग है। ठीक है, पैकर्स में 50 आदमी की मांग है, और जो स्टोर अटेंडेंस है और स्टोर हेल्पर है उसमें 200 आदमी की मांग है। ठीक है, उसमें 200 आदमी की मांग है। अगर आप में से जो भी दोस्त इसमें आना चाहते हैं तो उसे मुंबई आना पड़ेगा और इंटरव्यू करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से जो भी दोस्त आना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि कंपनी के तरफ से आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी के तरफ से दिया जाएगा। यानी रहने का रूम
आने जाने का बस, मेडिकल इंश्योरेंस और सऊदी का नेशनल कार्ड, ये आपको कंपनी के तरफ से मिल जाएगा। और कंपनी के तरफ से सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी बेनिफिट बनता है वो आपको कंपनी के तरफ से मिल जाएगा। तो आना चाहते हैं इसमें तो आपको मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ, वैकेंसी स्क्रीन में शो कर रहा है, आप देख सकते हैं वैकेंसी को, पूरा आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑफिस का डिटेल मैं दे दूंगा, जो ऑफिस में ये आया हुआ है मुंबई में, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आपको ऑफिस का डिटेल दे दूंगा। लेकिन जो दोस्त आना चाहते हैं अल नेहदी दवा फार्मेसी में, वही हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको किसी चीज़ के जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, आप जिसमें आना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑफिस का डिटेल दे दूंगा। पूरा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं ऑफिस में और इंटरव्यू कर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं अल नेहदी दवा फार्मेसी में। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें, ताकि जो भी दोस्त गल्फ कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं हमारे चैनल से पूरा जानकारी मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ में।